हेलो एवरीवन, माय नेम इज संध्या और आज हम आप सबको बताने वाले हैं टेक्नोलॉजी क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी काम को आसान बना देती है या फिर समस्याओं को सुलझाती है। इसी के कारण ही हम बहुत ऐसे सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे हैं और इसमें लगातार नए नए आविष्कार का भी बदलाव कर रहे हैं। यह हमारे काम करने के तरीकों को लगातार बदलती ही जा रही है। आज के इस दौर में हम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे आसपास हम जितने भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब चीजों के लिए टेक्नोलॉजी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आ रही है। सभी टेक्नोलॉजी का ही ये सब एक रूप है। टेक्नोलॉजी मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक ऐसी चीज है जो किसी भी काम को आसान बना देती है। टेक्नोलॉजी हमारे आसपास के युग जितने भी है उसी को ये बदल रही है और नए नए आविष्कार भी करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का खोज इंसान अपने जरूरत के हिसाब से करता ही जा रहा है। ये आपको पता ही होगा कि आज के इस आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। इसके मदद से हम कई सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं और इसमें लगातार नए नए आविष्कार का बदलाव भी कर रहे हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजी का खोज किए जा रहे हैं। ये सिलसिला हम लोग का आगे के जनरेशन में भी चली जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के प्रकार क्या क्या है। आजकल हमारे जीवन में बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके चलते हम लोग अपने जिंदगी को आगे के जनरेशन में बदल पा रहे हैं। हमारे आसपास बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर किसी को समय देखना होता है तो वह घड़ी का इस्तेमाल करता है। किसी को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो उसके लिए वो गाड़ी वाहन का उपयोग करता है। ये सब हमारी टेक्नोलॉजी का ही एक प्रकार है जिसमें फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। आज के समय में कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा उपयोग होने लगा है। जब से कंप्यूटर का दौर आया है तब से बहुत सारे काम को करना और भी आसान हो गया है। कंप्यूटर के द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा को प्रोसेस करते हैं, किसी रिकॉर्ड को सेफ रखना और भी बहुत सारे काम के लिए इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग हम घर बनाने के लिए, इमारत खड़े करने के लिए, पुल बनाने के लिए, टावर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में निर्माण तकनीक भी कहा जाता है, आज के समय में घर के निर्माण में भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग होने वाला है। घर के ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी बड़े इमारत को बनाने के लिए कई सारे कंस्ट्रक्शन टूल्स का इस्तेमाल किए जाने लगा है। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम संचार टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का बहुत ही मुख्य टेक्नोलॉजी में से एक है। आपको भी जब किसी से बातचीत करना होता है तो आप एक टेक्नोलॉजी का मदद जरूर लेते होंगे। आज के इस आधुनिक दौर में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी से बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, फोटो और वीडियो शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक दूसरे को बहुत ही सरल तरीके से जोड़ता है। तो चलिए इसके बाद जानते हैं हम परिवहन टेक्नोलॉजी क्या होता है। परिवहन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आधुनिक युग से पहले किसी को आने जाने में कितनी कठिनाई होती थी, क्योंकि पहले ना तो कोई वाहन होती थी, ना रेलगाड़ी, ना ही कोई हवाई यात्रा। अब के युग में परिवहन टेक्नोलॉजी पहले इतने सारे माध्यम मौजूद नहीं थी, लेकिन आज हमारे ऐसी कई सुविधाएं मौजूद हैं जिसके मदद से हम लोग आसानी से आने जाने की काम कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके मदद से हमारा काफी समय का भी बचत हो रहा है। आज हमारे पास ऐसे परिवहन के कई साधन जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, रेलगाड़ी,
ईयरफोन इत्यादि भी इसके साथ बहुत सारे मौजूद होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कृषि टेक्नोलॉजी क्या है। हम लोग अब बात करेंगे कृषि टेक्नोलॉजी के बारे में। आजकल खेतों में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जब हल के द्वारा खेतों को जुताई बहुत कम होते हुए देखने को मिलता है, अब इसकी जगह पर ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा है। वैसे ही और भी नए नए टेक्नोलॉजी का विकास कृषि टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है, जैसे ट्रैक्टर, पंप द्वारा सिंचाई, दवा छिड़कना वाला यंत्र इत्यादि बहुत सारे टेक्नोलॉजी के पार्ट्स आजकल मिल गए हैं। इसके बाद हम जानते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसके बाद जानते हैं हम मेडिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है। यह टेक्नोलॉजी का काम हम मनुष्य के जीवन को भी आसान बना देती है। मेडिकल के फील्ड बहुत तेजी से विकास होता चला जा रहा है। आज के समय में अस्पतालों में कई सारे मशीन देखने को मिलता जा रहा है, जैसे सीटी स्कैन मशीन, लेजर मशीन, एक्सरे मशीन, वेंटिलेशन मशीन इत्यादि बहुत सारे मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी मशीन देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम जानते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है। आज के समय में आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। इसकी मदद से हम लोग मैसेज, फोटो, वीडियोज कुछ भी कुछ ही सेकेंड में अपने लोगों को भेज सकते हैं। एक तरह से नेटवर्क टेक्नोलॉजी संचार का भी काम करती है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेटवर्क टेक्नोलॉजी से हम एक जगह से दूसरे जगह बात कर सकते हैं। तो चलिए और आगे हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी क्या है, जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का उपयोग हर इंसान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। आपको पता ही होगा कि इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान, उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन, सैटेलाइट, टेलीविजन, जीपीएस सिस्टम, रिमोट सेंसिंग आदि पृथ्वी विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे चीजों के लिए जाता है। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी भूकंप, तूफान जैसे प्रक्रिया आपदा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मौसम का हाल पता करने तथा इस उपग्रहों को खोज करने के जैसे चीजों के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम अपने आम जीवन में मनोरंजन के लिए करते हैं, उसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हम लोग अपने आस पास कई ऐसे टेक्नोलॉजी देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका स्मार्टफोन, इसमें आप गाना सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ये सभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। बात करें कि किस किस टेक्नोलॉजी को हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको हम मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सिनेमा हॉल, होम थिएटर, गेमिंग जोन इत्यादि का भी हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी में उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके बाद जानते हैं हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आजकल स्टूडेंट के एजुकेशन में इसका एक प्रकार से इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग। हाल ही हमने देखा कि कोरोना के कारण सारे स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जा रहे हैं। आज अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। और चलिए दोस्तों हम बताते हैं टेक्नोलॉजी के लाभ क्या है। तो टेक्नोलॉजी हमारे समय को बचाता है और हमारे काम को आसान बनाता है। इंटरनेट भी एक टेक्नोलॉजी है, जिसके मदद से हम कहीं रहकर भी अपने जरूरत की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। खुद को इंटरटेन करने के लिए हम लोग मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ने में मदद मिलती है। मेडिकल टेक्नोलॉजी के मदद से छोटे बड़े ऑपरेशंस को सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। लेजर ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके पेशेंट को कम से कम प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में रोबोट से काम करवाया जा रहा है।
जिससे काम करने की क्षमता में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने घर वाले से भी बातचीत कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं, काफी दूर होने के बावजूद भी। मौसम का हाल आज हम लोग पहले ही बता दिया जा रहा है। आज अगर कोई आपदा आए तो भी हमें उसे सूचित कर दिया जाता है। आज अगर आपको हमको कहीं जाना होता है तो आप लोग किसी परिवहन का सहारा लेते हैं, जिससे हमारा काफी समय बच जाता है। उसके बाद बिल्डिंग, रोड और बड़े बड़े पुल बनाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, जिसके मदद से हम एक मजबूत और खूबसूरत इमारत का निर्माण हो पा रहा है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा टेक्नोलॉजी का प्रोसेस खत्म हुआ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एवरीवन।